नमो वज्रायणम् नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुरासुर इंद्र नरेन्द्र वंदित कर्म मल निर्मल करन वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। देव शास्त्र गुरु जो धर्म के मूल हैं उनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन कहा है, ऐसे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से समझ रहे हैं। रत्नकरंड श्रावकाचार के रचनाकार आचार्य समंतभद्र ने देव का स्वरूप बतलाते हुए ये कहा कि जो आप्त है वह निर्दोष है, सर्वज्ञ है, परम हितोपदेशक है। जिनमें ये तीन लक्षण पाए जाएं वे आप्त कहलाता है। कुछ लोग जो हैं निर्दोष तो कहते हैं, आप्त को निर्दोष तो कहते हैं, निर्दोष कहते हुए भी कुछ दोष उनमें मानते हैं, कुछ दोष सहित उनको मानते हैं, फिर भी कहते हैं निर्दोष। तो इसलिए सदा शुक्ला जी को ये लगा सदा सुखदास जी को कि जो ऐसी बातें हैं उनका खंडन कर देना चाहिए। इसलिए जो श्वेतांबर मत में इस तरह मानते हैं कि जो श्वेतांबर केवली भगवान कबलहार करते हैं, उस बात के खंडन के लिए अनेक तर्क वितर्क लगा करके उन्होंने वो बात समझाई और लगभग वो बात पूरी होने वाली है। दो तीन पेज और हैं इसके, पढ़ लें उसको भी। हाँ, वो जो मेन बात है वो तो सिद्ध हो गई है, आप केवल एक बार उसका वाचन कर लेते तो और कोई विशेष बात हो तो वहाँ चर्चा करेंगे। यदि तुम कहोगे असाता वेदनीय कर्म के उदय से केवली को क्षुधा तृषा रोग मल मूत्र आदि होते हैं, वो श्वेता परमात वाले अगर कहें कि अभी तो घातिया कर्मों का अभाव हुआ है, अघाती कर्म के उदय तो हैं, अघाती में जो वेदनीय कर्म हैं वेदनीय कर्म का तो उदय है, और जो वेदनीय का जो भेद है असाता वेदनीय है उसका उदय तो है। सो असाता उदय के माध्यम से क्षुधा तृषा रोग मलमूत्र आदि उनके होते हैं। हम जो कहते हैं कि उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है और शरीर में रोग होता है और मल मूत्र आदि करते हैं, ये जो बात हम बोलते हैं ये उनके असाता वेदनी कर्म के उदय से ये सब कार्य हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसका उत्तर सुनो, सो ऐसा नहीं है, क्षुधा तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। असाता की उदीर्णा की छठवें गुणस्थान में ही विच्छुत्ति हो जाती है। असाता की उदीर्णा होने पर ही क्षुधा भूख लगती है,
लेकिन असाता की उदरी नाम होना छठवें गुणस्थान में ही उसकी विच्युति हो जाती है, इसलिए सप्तम आदि गुणस्थानों में क्षुदादि वेदना का अभाव है। और आगे सुनो, जिस काल में मुनि श्रेणी चढ़ते हैं उस समय सातिशयी अप्रमत्त गुणस्थान में अधकरण के प्रारंभ में चार आवश्यक होते हैं, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति बंद का अपसरण अर्थात घट जाना, साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों में अनंत गुणार रस का बढ़ जाना और असाता वेदनीय आदि अशुभ प्रकृतियों का रस अनंत में भाग घटकर निम्ब कांजी रूप दो प्रकार रह जाना, विष हालाहाल रूप शक्ति घट जाती है। इसके पश्चात अपूर्वकरण गुणस्थान में गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये चार आवश्यक होते हैं। इसीलिए उन करण परिणामों के प्रभाव से असाता वेदनीय आदि अप्रशस्त प्रकृतियों के रस को असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक घट जाने से उसमें इतनी मंद शक्ति रह गई है, वह असाता वेदनीय सर्वज्ञ को परिशह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। घात्या कर्मों की सहायता भी नहीं रही, इसलिए परिशह देने में समर्थ नहीं है। जब कोई मुनिराज सप्तम गुणस्थान से श्रेणी मांडते हैं, श्रेणी के गुणस्थान है ना, वो सप्तम गुणस्थान में तैयारी होती है उसकी है, उसमें जो सातिशय होता है वहाँ पे तैयारी होती है, आठवें गुणस्थान, नवें गुणस्थान, दसवें गुणस्थान और ग्यारहवें गुणस्थान होती है उपशम श्रेणी के। उपशम श्रेणी के चार गुणस्थान कहलाते हैं और क्षपक श्रेणी के आठवें गुणस्थान, नवें गुणस्थान, दसवें गुणस्थान और बारहवें गुणस्थान, ये क्षपक श्रेणी के। जो जब श्रेणी चढ़ते हैं तो एक तो असाता वेदनी की उदरीना नहीं होती, इसलिए भूख की वेदना वहाँ नहीं होती, क्षुदादि की वेदना नहीं होती है, और उसी समय इस तरह संक्रमण होता है कि असाता के सारे सारे संक्रमण होकर के साता में चले जाते हैं, तो असाता की इतनी शक्ति थोड़ा से सत्ता में थोड़े से असाता कर्म रह जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद तेरहवें गुणस्थान में जब केवली भगवान वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उस समय वो थोड़ा सा सत्ता में है ही नहीं है, तो उदय में कहाँ से आएंगे। वो हमने सोचा था कि जेब में 4,000 रुपये रखे हैं और मार्केट चले गए हैं और उधर जाके जेब को टटोला तो पैसे ही नहीं है उसमें है? और दुकान वाले को पैसा देने के लिए बार बार जेब में जेब में हाथ डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, बहुत बार प्रयास किए, 10 बार प्रयास किए हैं, चलो 11वें प्रयास में तो निकल जाएगा पैसा, नहीं अब रखे ही नहीं तो फिर कहाँ से निकलेंगे, कितने ही कोशिश कर लो, कितनी बार हाथ डालो नहीं निकले। वैसे ही वो सत्ता में है ही नहीं कर्म, तो कहाँ से उदय में आएंगे। तो वह कह रहे हैं कि जो असाता कर्म है, असाता वेदनी, वो आठवें गुणस्थान से श्रेणी मारते तब से उनके संक्रमण हो जाते, अनंत गुणे वो हीन होते अंत में जाके बिना कोई काम के रह जाते हैं, इसलिए वे उदय में नहीं आते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि असाता का उदय होता है, असाता वेदनी का, थोड़ा कर्णानियों का विषय है, समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन बहुत सरल सीधा सिद्धांत, सीधा तर्क है। कह रहे हैं कि असाता का मतलब असाता की इतनी हीन शक्ति हो गई तो उदय में कहाँ से आएगा। तो श्वेतांबर तो ये कहते हैं कि असाता के उदय से भूख प्यास आदि लगती है, लेकिन हम तो कहते हैं कि असाता का इतना मतलब इतनी शक्ति नहीं रह जाती, सत्ता में रहता ही नहीं इतना असाता, तो कैसा होगा। और जब आत्मध्यान में लीन होते हैं तब बंदे की भी कहाँ असाता इतना है? वो तो उत्कृष्ट कार्य है, उसके फल में तो साता वेदनीय वो उसकी संख्या बढ़ती जाती है, असाता कम होती जाती है। गोमरसार कर्मकांड में भी कहा है, इसके लिए उन्होंने सामने प्रमाण प्रस्तुत किया, ये बात अपने मन से नहीं कह रहे हैं वो, उसके प्रमाण उन्होंने गोमरसार के 3 गाथाएं उद्धृत की हैं। इसमें नठाय राय दोसा इंद्रियणानं च केवलं मिजदो
तेना दुसाद सादज सोह दुखम नत्तिन्द्ययजम समयठि दिगो बंदो सादसुदयप्पगो जदो तस्स तेना सदासुदवो साधसरूवेण परिणमदी ये दीर्ण कारणेन हु साधसे वधु निरंतरो उदवो तेना साध निमित्ता परिसहा जिनवरे नत्ती। जिनवरे परिसहा नत्ती, जिनेन्द्र भगवान को परिसग उत्पन्न नहीं करते हैं। कौन? वो जो असाता जो रह जाते हैं थोड़े बहुत सत्ता में, वे परिसग उत्पन्न नहीं करते। पहले जो असाता वेदनीय बांधी थी उसका असंख्यात बार अनंत का भाग देने के बराबर तक रस घटकर अति मंद रह गया और नया साता का बंद होता नहीं। पहले जो बांधी थी असाता, उसका असंख्यात बार अनंत से भाग करने पर जितना रस बनेगा उतना घटकर अति मंद हो गया और नया बंधता नहीं, क्योंकि सप्तम गुणस्थान से आगे एक अकेला साता वेदनीय ही का नया बंद होता है, असाता का बंद नहीं होता है। केवली के साता कर्म बंधता है, वह भी एक समय की स्थिति रूप ही बंधता है। सप्तम गुणस्थान के आगे साता वेदनीय एकमात्र साता वेदनीय ही बंधता है और केवली को भी बंधता है। केवली को कर्म बंधता है, हाँ अघात्य कर्म बंधते हैं। अभी वो अघात्य में तो आयु तो पहले से जो हो गए फिक्स वही है, और जो साता वेदनी कर्म बंधता है वो एक समय की स्थिति को लेके बंधता है। साहब जैसे आता है आश्रव वैसे खिर जाता है, कर्म आते हैं खिर जाते हैं, कर्म आते हैं खिर जाते हैं, एक समय की स्थिति है, रुकते नहीं सत्ता में। अब रुके तो प्रसिद्ध कैसे बनेंगे बिना कर्म के? एक समय की स्थिति को लेकर के आते हैं। जैसे वो है ना, कोई अपन गेंद फेंके तो उधर दीवार में लग के जैसे वापस अपनी तरफ आ जाती है, वैसे ही ये कर्म सब जाते हैं वहां जाके टकरा के वापस आ जा, ऐसे ही जाके वापस आ। ऐसे साथ केवल के भी ऐसे साथा का उदय मतलब आश्रय उदय ऐसा होता है। और नया कर्म तो बंधता ही नहीं आसाता का, सप्तम गुणस्थान से नहीं बंधता है। तुम केवल की बात क्या करते हो है? वह भी एक समय की स्थिति रूपी बंधता है, सो उदय होता हुआ ही बंधता है, इसलिए उनके आसाता का उदय भी साता रूप ही परिणत हो जाता है। इसलिए थोड़े बहुत जो बचता है सत्ता में असाता, उनको तो कुछ होता होगा है, उससे तो भूख लगती होगी, उससे तो प्यास लगती होगी, कह रहे कि नहीं वो भी साता रूप परिणमित हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। कितनी सुंदर विवेचना है, कर्णाणि योग में इतने सुंदर व्यवस्था है, सब बातें सूक्ष्म बातें बताई गई हैं, फिर भी इस तरह मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए ऐसी बातें कहना है कि केवली भगवान आहार करते हैं उनके शरीर में रोग होता है, इस तरह की बातें करना किसी समझ से तो परे है। ना तो उन्होंने सब तरह से तर्क दिया, निर्दोषपना खंडित हो जाएगा, सर्वज्ञ बनेगा अभाव हो जाएगा, जो दो प्रमुख लक्षण है उन दोनों का अभाव हो जाएगा, और कर्णाणियों के माध्यम से भी तर्क बता दिया कि इससे भी संभव नहीं है, कर्मों की अपेक्षा बता दिया, गुणों की अपेक्षा बता दिया, सभी तरह से सिद्ध कर दिया कि वे कबलाहार नहीं करते, भोजन आदि नहीं करते, क्षुधा आदि वेदना उन्हें नहीं होती है। भावार्थ इसका भावार्थ बता रहे हैं, उनको लगा होगा कि बहुत कर्णानियों की भाषा है, किसी को समझ में भी नहीं आए, इसलिए भावार्थ में सरल भाषा में उन्होंने लिखा सदा सुखदास जी ने। साता का उदय तो सर्वज्ञ को नवीन निरंतर अनंत गुणा रस रूप उदय में आता है, और असाता वेदनी का रस अनंत में भाग घटता हुआ जिस प्रकार अमृत से भरे समुद्र को एक विष की कणिका
विष रूप करने में समर्थ नहीं होती है। पूरा अमृत का सागर हो, अमृत का समुद्र हो, उसमें एक बूंद विष डाल दिया जाए, जहर डाल दिया जाए, तो क्या पूरा समुद्र जहर हो जाएगा? नहीं होगा। उसी प्रकार सर्वज्ञ के अति तीव्र अनंत गुणा बढ़ता हुआ साता कर्म के रस के उदय में अनंत में भाग रूप अति मंद असाता का उदय कैसे क्षुधा की वेदना उत्पन्न करा सकता है? वैसे ही इतना सारा साता वेदनी का उदय है, उसमें एक बूंद से असाता वेदनी का उदय है, और तुम कहते हो कि असाता के उदय से भूख लगती है। बोल, मतलब सोचने वाली बात है ना। तो अपन भी कुछ ऐसे ही, एक ग्लास पानी में भी एक बूंद से भी कम दूध उसमें मिलाया जाए तो उसको पानी कहोगे ना, पानी माना जाएगा ना, और दूध दिखेगा उसमें, उससे चाय बना लोगे उसको दूध समझ के? वे तो एक ग्लास की बात है, वहां तो कह रहे हैं कि समुद्र जितना अमृत भरा हुआ है, समुद्र के एक छोर पे खड़े होके दूसरा छोर नहीं देख सकते हम, इतना विशाल समुद्र होता है। इतने बड़े समुद्र में एक बूंद जहर के समान, वैसे इतना सारा साता वेदनी का उदय आ रहा है, निरंतर खिर रहा है, उसमें एक बूंद समान असाता का उदय है, और तुम कह रहे हो कि उसी उदय से भूख लगती? ये कहां का न्याय है? इसी कारण भगवान सर्वज्ञ के निरंतर साता कर्म का ही उदय है, उसमें किंचित असाता का उदय भी साता रूपी परिणम जाता है। इसलिए जिनेन्द्र के असाता का उदय जनित परिचय नहीं है। इतने बड़े समुद्र में विष डालोगे तो वो भी समुद्र बन जाएगा, वो एक बूंद जो जहर है वो भी समुद्र बन जाएगा, वो भी अमृत बन जाएगा। तो वो सब आप समुद्र में देखते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती ना, जो गंदे पानी होते हैं, ये सब पानी जाके उसमें मिलता है, निरंतर सारा गंदा पानी उसमें मिलता है, तो क्या हो जाता है, समुद्र गंदा हो जाता है एक ही दिन में, जब से मिले जा रहे हैं उसमें। वो इतना विशाल समुद्र, इतना पानी है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इतनी सी गंदगी मिला देने से, वो भी समुद्र बन जाता है उल्टा है, वो गंदा पानी भी। इसलिए जिनेन्द्र के असाता का उदय जनित परिचय नहीं है। केवली भगवान केवली के राग द्वेष नष्ट हो गया है तथा इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव है, इसलिए साता असाता दोनों से उत्पन्न इंद्रिय जनित सुख दुख भी केवली के नहीं है। हम तुम्हारी बात काटने के लिए साता का उदय है तो वो साता वेदनी के उदय को इतना क्यों उठा रहे हैं? वो तुम्हारी बात को काटने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान रहे हैं कि साता का उदय होता तो बहुत उसमें मजा आ जाता होगा, ऐसा नहीं है। साता का उदय आता तो भी उसमें भी सुख दुख उन्हें भाषित नहीं होता, क्यों? मौनी कर्म है ही नहीं तो सुख दुख कहां से भाषित होगा है? और इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान है, प्रत्यक्ष सभी को जान रहे हैं। ऐसा किसी को बुला के डांटते होंगे, कुबेर को बुला के, सोधर्मेंद्र को, भाई ये कैसी रचना की तुमने समावसरण की, ये अच्छी नहीं है, यहाँ से थोड़ा ऐसा बदलो, यहाँ से वहाँ बदलो, ऐसा कुछ बोलते होंगे। अच्छा, जो साता कर्म उदय से जो सहयोग मिलते हैं उनमें तो कुछ करते होंगे, नहीं उनमें भी कुछ नहीं। सुख दुख का इस तरह जो बहिरंग हम सुख दुख मानते हैं साता कर्म साता असाता के माध्यम से, वो दोनों से रहित है। ना तो असाता के माध्यम से क्षुधादि जो भी होते हैं वे नहीं होते हैं, और साता के माध्यम से जो हमें संतुष्टि दिखती है वे भी नहीं होती, वे तो आत्मा के अनंत सुख का भोग कर। हाँ जी, वो तो साता का उदय तो निरंतर आ रहा ना उनको, जैसे वो समावसरण की रचना आदि हो रही है, दिव्य ध्वनि खिर रही है, ये सब सहयोग है, ये सब वो जमीन से ऊपर चलते हैं और जहाँ जाते तो सौ सौ यजन तक वो कितना दुर्भिक्ष दूर हो जाता है, वो अपने आप पुष्प वृष्ट होती है, क्या क्या धुंध भी बचता है, कितना सब संयोगी तो है वो सब। जब केवल ज्ञान प्रकट होता तभी तो होते ये सब,
और हर किसी के थोड़े होते हैं, वो जो वो तीर्थंकर जो होते हैं उन्हीं के होते हैं ना। हाँ, सारे ही वो इस तरह जो संयोग उनका पाया जाता है। और जो अन्य केवली होते हैं उनमें किसी की वो गंधकुटी की भी रचना होती है, और भी जो कई कारण हैं। हाँ ठीक है, ये सब क्षुदादि नहीं होते हैं, ये सब कोई किस तरह की वो बहिरंग में भी इस तरह का कुछ होता नहीं है, सारे ये साता साता का ही ये है। चलो और भी कहते हैं, अति मंद उदय रूप असाता अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। जैसे मंद उदय रूप संज्वलन कषाय अप्रमत्तादि गुणस्थानों में प्रमाद उत्पन्न नहीं करा सकती, जैसे अति तीव्र वेद के उदय से उत्पन्न मैथुन संज्ञा मंद वेद के उदय रूप नव्य गुणस्थान में नहीं है। निद्रा प्रचला का उदय तो 12वें गुणस्थान में द्विचरम समय पर्यंत है, परंतु उदीर्णा बिना निद्रा को नहीं करा सकती। जैसे जागृत अवस्था बिना आत्मा अनुभवन रूप ध्यान नहीं बन सकता, उसी प्रकार असाता की उदीर्णा बिना असाता कर्म क्षुधा त्रषादिक नहीं उत्पन्न करा सकती। और भी समझो, अप्रमत्त साधु भी आहार की इच्छा मात्र करने से प्रमत्तपने को प्राप्त हो जाता है, तो भोजन करता हुआ भी केवल प्रमत्त क्यों नहीं होता है? अप्रमत्त साधु भी सातवें गुणस्थान में आत्मानुभव कर रहे हैं और आहार के लिए निकले तो कौन से गुणस्थान में होंगे? आहार के लिए निकले तो कौन से गुणस्थान में आएंगे? छठे गुणस्थान में आएंगे, शुभ उपयोग। भोजन करता हुआ भी तो ऐसे ही केवल भगवान भी जब भोजन करते होंगे तो प्रमाद क्यों नहीं हो जाते हैं? वे भी प्रमाद, उन्हें भी प्रमाद आता होगा सब। यह बड़ा आश्चर्य है, केवल भगवान तीनों लोकों के बीच में मारण ताड़न छेदन ज्वालन मध्य मांस आदि अपवित्र पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हुए कैसे भोजन कर लेते हैं? बोलो कैसी कैसी गजब बात है। फिर पढ़ता हूँ, केवली भगवान देखे ना, बड़ा आश्चर्य है, केवली भगवान तीनों लोकों के बीच में मारण ताड़न छेदन ज्वालन मध्य मांस आदि अपवित्र पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी कैसे भोजन कर लेते? तुम तो कहते हो कि केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, केवल ज्ञान तो रहता है फिर भी ये भोजन करते हैं, तो केवल ज्ञान से तो तीनों लोगों को जानते हैं, इन सबको जानते हुए भोजन कैसे कर लेते हैं? अल्प शक्ति के धारी गृहस्त को भी अयोग्य वस्तु निंद्य कर्म का देखना अंतराय कर देता है, और केवली को अंतराय नहीं करता तो केवली के गृहस्त से भी अधिक भोजन में लंपटता रही और शक्ति की हीनता रही, फिर उसकी अनंत शक्ति कहाँ रही? और जिसको शुदा वेदना हो उसको अनंत सुख कहाँ है? बोलो, वो पहले अनंत वीर की बात बोली, उसके बाद अनंत शक्ति की बात बोल दी अभी, और अनंत सुख की भी बात बोल, और सर्वज्ञ पने की बात तो पहले से हो रही। तो ये चारों जो उनके अनंत चतुष्टय हैं, अगर हम ये मान लें कि वो क्षुधादि वेदना उन्हें होती है, वो चारों अनंत चतुष्टय पर कुठारघात होगा। क्षुधा समान वेदना जगत में अन्य नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ के क्षुधा वेदना होने से अनंत वीर्य और अनंत सुख नहीं रहे। रिद्धि जनित अतिशयवान मुनि में भी ऐसे कार्य करने की सामर्थ्य पाई जाती है जो सामान्य अन्य मनुष्यों में नहीं पाई जाती है। तो अनंत वीर्य के धारी केवल भगवान के आहार बिना देह की स्थिति रहना क्या संभव नहीं है? यदि सर्वज्ञ के भी अन्य मनुष्यों के समान आहार निहार निद्रा रोग स्वेद खेद मल मूत्र होता रहे तो सामान्य आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर रहा? हाँ
आहार के विषय में विचार, ये तो कवलाहार की बात हो गई, और नीचे उन्होंने आहार के विषय में भी अब विचार प्रकट किया है, उसमें गाथाएं उद्धृत की उन्होंने। जीवन कवलाहार से ही नहीं होता, आयु कर्म के उदय से होता है, गाथा में भी कहा है, नौ कम कम हारो कवला हारो यलेप महारो उज्जमणो वियकमसो आहारो छवि हो भनियो नौ कम तित्तयरे कम निरये मानसो अमरे कवलाहारो नर पशु उज्जो पक्षी यी लेपो। आहार के छह भेद हैं, कर्म आहार, नौ कर्म आहार, कवलाहार, लेपाहार, ओज आहार, मानसिक आहार, ये छह प्रकार के आहार कहे हैं। भगवान अरहंत के तो अन्य जीवों को असंभव ऐसे शुभ सूक्ष्म नौकर्म वर्गना का ग्रहण होना ही आहार है, नारकियों के कर्म का भोगना ही आहार है, चार प्रकार के देवों के मानसिक आहार है, मन में इच्छा होते ही कंठ से अमृत जर जाता है, उससे तृप्ति हो जाती है, इसलिए वो मानसिक आहार है। मनुष्य और पशुओं के कवलाहार है, पक्षियों के अंडे में रहने वाले जीवों के माता के उदर की ऊष्मा रूप ओज आहार है, और एकेंद्रीय पृथ्वी आदि जीवों के लेप आहार है। ये किस किस के कैसे आहार होता है इन्होंने शास्त्रों में वर्णन किया। पृथ्वी आदि क्या है, स्पर्श से ही आहार उनका लेप आहार होता है, इसलिए उन्होंने शुरू में कह दिया भगवान अरहंत के तो अन्य जीवों को असंभव, अन्य जीवों को असंभव है ऐसे शुभ सूक्ष्म नौ कर्म वर्गना का ग्रहण होना ही आहार है। नौ कर्म वर्गना है जो सूक्ष्म है, शुभ रूप है, वो अन्य जीवों को असंभव है, और अन्य किसी जीव को संभव नहीं है, उन्हीं को संभव है अरहंत परमेश्वर कोई, तो वैसे नौ कर्म आहार होता। बस भोग भूमि के औदारिक देह के धारी मनुष्यों का शरीर तो तीन कोष प्रमाण तथा भोजन आंवला प्रमाण, शरीर तो तीन कोष प्रमाण है, और भोजन कितना लेते हैं आंवला प्रमाण, वो भी तीन दिन के अंतर से लेते हैं, तीन दिन में एक बार लेते हैं आंवले जितने लेते हैं, और शरीर तीन कोष जितना है, यहां तो थोड़ा सा पेट आगे दिखे तो सब कह रहे तुम तो ज्यादा खाते होंगे, तुम तो ज्यादा खाते होंगे, तो यहाँ अपना दृष्टिकोण कैसा है, जो ज्यादा खाता वो ज्यादा शक्तिवान, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि कवलाहार ही देह की स्थिति का कारण नहीं है, तो देह की स्थिति केवल बहिरंग से खाने से भोजन से ही मात्र देह की स्थिति नहीं बनती है। ये छह प्रकार के आहार कहे हैं आगमों में, यदि आहारक पना होने से ही केवली के कवलाहार की कल्पना करते हो तो सहयोगी पना मानने से मन का, प्राण मानने से पांच इंद्रियों का, और शुक्ल लेसिया मानने से कषाय का भी प्रसंग आ जाएगा। जिनेन्द्र के एकादश परिषय कहे हैं वो आपकी बात, ऐसा कहना तो उपचार मात्र है, वह तो वेदनी कर्म में विद्यमान है इसलिए कहा है। जैसे मंत्र औषधि आदि के प्रभाव से जिसकी विष शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा विष प्राण हरण करने में समर्थ नहीं है, वैसे ही शक्ति रहित असाता वेदनीय कर्म क्षुधा उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं है, मणि मंत्र औषधि विद्या रिद्धि आदि का अचिंत्य प्रभाव है। अचिंत्य प्रभाव से जिस तरह विष को ऐसा कर देते हैं कि वो मरण करने में असमर्थ हो जाए, वैसे ही असाता वेदनी कर्म भी शक्ति रहित जब वहां पे हो जाता है केवली के अरहंत के, तो क्षुधा आदि उत्पन्न नहीं करा पाते हैं। श्वेतांबरों के कल्पित सूत्र शास्त्र हैं, उनमें अनेक कल्पित असंभव रचनाएं लिखी हैं,
जैसे कोई एक गौशाला नाम के गडरिया ने महावीर स्वामी से दीक्षा ली, विद्या के अभिमान से महावीर स्वामी से विवाद करने को समव शरण में गया, विवाद किया, विवाद में हार गया, तब क्रोध कर भगवान के ऊपर कोई रिद्धि से अग्निमय प्रज्वलित तेजोलेश्या चलाई, उससे समव शरण में दो मुनि सिंहासन के नीचे जल गए और उस तेजस रिद्धि से उत्पन्न अग्निमय ज्वाला भगवान के ऊपर भी जा पहुंची और भगवान को भारी उपसर्ग हुआ। उस अग्नि की उष्मा से भगवान को खूनी आव वाला पेचिस रोग, अतिसार रोग हो गया, जो 6 महीने तक रहा। बाद में केवल ज्ञान से जानकर शिष्य को कहकर सेठ के घर से किसी पक्षी के जीव का पका मांस मंगाकर खाया, तब रोग मिटा। बोलो, ऐसी बातें सुनने में भी कैसी लगती हैं हमको? हैं? बोलो। इसलिए उन्होंने कहा कल्पित सूत्र हैं, किसी ने जाके वाद विवाद किया, दिव्य ध्वनि में वाद विवाद करते हैं, वहां तो ओंकार ध्वनि निकलती है, वो किसी से बात करते होंगे, वाद विवाद किया, हार गया, चलो यहां तक तो ठीक है, और वहां जाके रिद्धि प्रकट कर दी तेजोश्लेषिया, उससे आग लग गई, दो मुनिराजों की मृत्यु हो गई, और वो आग उन पे भी लग गई, भगवान पे भी, और उससे बड़ी मूर्खता की बात क्या कही है, 6 महीने तक रोग रहा और 6 महीने के बाद अगले दिन केवल ज्ञान से ये पता किया कि ये दवाइयाँ मिलती है, तो 6 महीने तक केवल ज्ञान नहीं रहा, सोचने वाली बात है ना। उसमें लिखा है कि 6 महीने तक रोग रहा, उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान से पता किया कि उस सेठ के पास दवाई है और अपने शिष्य को भेजा, जाओ बेटा ले आओ। उससे पहले तो क्या करते रहे, तब तक केवल ज्ञान सो रहा था कहीं। कितनी असंभव बातें हैं। फिर बोले, मैंने ऐसे कुपात्र को बिना समझे दीक्षा दे दी। इस प्रकार अवर्णवाद लिखे और बाद में बहुत दुख हुआ महावीर स्वामी को और कहा मैंने कैसे कुपात्र को दीक्षा दे दी। बोलो, कहते हैं कि महावीर भगवान ने दी दीक्षा है, अगर उस अरहंत अवस्था से दीक्षा दी होगी तो केवल ज्ञान से ये नहीं पता था कि ये क्या क्या करेगा। कितनी बातें, कितनी असंभव बातें उसमें हैं। और इस तरह कहना कि पका मांस मंगाकर खाया, भगवान के ऊपर इस तरह अवर्णवाद करना, ये कितना बड़ा पाप का काम है। अपन तो कितने सूक्ष्म चर्चाएं करते हैं इस सभा में बैठ करके, शाकाहार मांसाहार की बात करते कहाँ हैं, अपन तो द्रव्य गुण पर्याय की बात करते हैं। जो जानदि अरहंतम दवत, मतलब द्रव्य गुण पर्याय से जो अरहंत को जानता है, ऐसे गूढ़ गंभीर चर्चाएं करते हैं, तो इन बातों का निराकरण करने के लिए कितना समय लगेगा हम जैसे जीवों को। 3 ज्ञान संहित उत्पन्न वीर जिनेन्द्र का चटशाला में पढ़ना कहते हैं। तीर्थंकर पहले तो नग्न होकर दीक्षित होते हैं, पश्चात इंद्रस्कंद ऊपर वस्त्र रख देता है, तब ये वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह की बातें करते हैं वीर जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल खिरी, तो किसी ने भी नहीं मानी। इस तरह की बातें सुन कहते हैं वो, गंधर के बिना दिव्य ध्वनि खिरती कहां। कहते हैं पहले तो नग्न होते हैं, बाद में इंद्र इनको वस्त्र देता है, तो इंद्र इनसे बड़ा आदमी है। इंद्र बड़े कि जिनेन्द्र बड़े, उसका दिया हुआ वस्त्र पहन लेते, ऐसा कहते हैं। आदिनाथ को जुगलिया कहते हैं। कोई एक अन्य जुगलिया मर गया, उसकी स्त्री विधवा हो गई, उस विधवा स्त्री को ऋषभ देव ने अंगीकार कर लिया। दूसरी सुनंदा नाम की रानी भी किसी रिश्ते की ही थी। इन ढूंढिया आदि श्वेतांबरों को ऐसे अनर्थ रूप वचन कहने का भय नहीं है। ये आगे की पीढ़ी पढ़ेगी, वीतराग जैन धर्म की पीढ़ी इस तरह की बातें पढ़ेगी तो क्या होगा, लिखने वाले के ऊपर कैसी
दया आएगी इन लोगों को है? इस बात पर विचार तक नहीं किया, लिख दिया बिना कोई भय के नया संप्रदाय खड़ा करना है तो कुछ नवीन बातें होनी चाहिए। आज भी क्या करते हैं, मार्केट में कोई नई चीज लाते हैं तो क्या होता है, नए नए विज्ञापन करते हैं, 30 दिन में आप खा लो मोटे हो जाओगे है? वो 30 दिन में अंग्रेजी सीख लोगे, वो 30 घंटे में, एक ने तो ये लिखा था कि 30 घंटे में लिख लो, 30 घंटे में सीख लोगे आप। मैंने यार 30 घंटे में कैसे सीख, 30 दिन तो फिर भी समझ में आता है, हाँ वही वही कहना चाह रहा हूँ, वही 30 दिन तो समझ में आता है, 30 घंटे में कैसे सिखाओ? फिर पूछा तो बताया रोज का 1 घंटा तो हो गए ना 30 घंटा। तो वो नए नए तरीके से एक ही बात को घसीटते पिसीटते, केवल विज्ञापन बढ़ा, अपना नाम हो जाए, अपन प्रसिद्ध हो जाए, इसी के लिए है। वैसे भी ये भारत का मार्केट इसके लिए प्रसिद्ध है, कोई भी चीज को अगर प्रसिद्ध करना हो तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनसे विज्ञापन करवा दो। किसी ने यहाँ तक लिखा, मैंने कहाँ पढ़ा है ये मुझे याद नहीं है, उसने तो ये लिखा है अगर भारत में गोमूत्र को भी अगर प्रसिद्ध करना है कि इससे शरीर का सेहत अच्छी होती है और इसको अच्छा बिकवाना है इसको, तो किसी बड़े लोगों से विज्ञापन करा दो तो लोग खरीद लेंगे उसको। विज्ञापन का इतना महत्व है भारत में, तो इसलिए उन्होंने समझा होगा कि इस तरह की कुछ रोचक बातें उसमें लिख दो, जोड़ दो, तो अपने अपना मत भी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने जोड़ दिया इंटरेस्टिंग करने के लिए। बोलो, वो इंटरेस्टिंग करने के चक्कर में पूरे वो धर्म का अभाव हो जाए ऐसी बातें लिख दी। हाँ बोलो, जिस महावीर भगवान को केवल देश के नहीं, देश विदेश के लोग अहिंसा के नाम से, अहिंसा आचरण के नाम से जाने जाते हैं, उस महावीर भगवान के ऊपर ऐसा दोष लगाया कि उन्होंने मांस की दवाई, मांस से बनी दवाई खाई, बोलो। ये तो अवर्णवाद तो ऐसा हो गया कि अपना मत का, अपने ही मत का खंडन हो जाए, 100 वचन बाधित तो हो जाए। बोलो, ये तो ठीक है तुम कावलाहार करते हैं, ये करते हैं, ये बात तो ठीक है तुम, ये मतलब इतनी गहरी जानकारी नहीं है तत्व ज्ञान की इसलिए कह रहे हो, लेकिन इतनी बात तो जानते हो कि जैन धर्म जो है वो शाकाहार का पोषण करता है, शाकाहार का प्रचार करता है, तो वो उसी को ही तोड़ दी। अब ये नहीं मालूम कि उनने जोड़ा है कि उनके नाम से किसी और ने जोड़ा, ये भी तो अभी पक्का नहीं है, उनके शास्त्रों में तो है, उनके आचार्य ने लिखा हुआ नाम तो है, तो इसलिए हम तो यही मानेंगे कि उन्होंने लिखा है। ऐसा विरुद्ध कहते हैं वीर जिन पहले देवनंदा नामक ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए, वीर जिन ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए, 80 दिन तक वहां रहे, उसके पश्चात इंद्र ने ऐसा विचार किया कि ऐसे नीच गर्भ में इनका जन्म होना योग्य नहीं है, अतः हरिण्यगवेशी देव को आज्ञा दी, तब उस देव ने जाकर देवनंदा नाम की ब्राह्मणी के गर्भ में से निकाल कर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ में रख दिया। बोलो, ये तो खेल चल रहा है इनका, जहाँ चाहे उठाओ, जहाँ चाहे रख लो, ऐसे गर्भ में से किसी जीव को उठा के रख लो, क्या इतना, क्या बोलते, इतना पुण्यहीन है तीर्थंकर बनने वाले जीव की, इतनी पुण्यहीन है कि वो जाके वहाँ नीचे कुल वाले जन्म ले गए, और इंद्र को कोई दूसरा काम नहीं है, वो भी गर्भ से उठा कर रख दिया। विचार करो कि जीव अपने द्वारा बांधे हुए कर्मों के कारण कुलादि में उत्पन्न होते हैं, देवों के द्वारा उत्पत्ति स्थान कैसा बदला जा सकता है, परंतु मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इनके कहने का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी कह देते हैं। अगर इंद्र की ऐसी शक्ति हो कि किसी के गर्भ में से किसी भी उठा के कर सकता हो, तो कर्मों का बल कहाँ रहा, फिर तो कर्म का उदय कुछ रहा ही नहीं है, नीच कुल में से उच्च गोत्र कर दिया तुमने, ऐसे तुम किसी को संसारी में से सिद्ध बना सकते हो, तो इंद्र बड़े हुए ना, जिनेंद्र कहाँ बड़े हुए,
कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन के प्रभाव से ये क्या कहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। बाहुबली मुनि ने ऋषभदेव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। सातवें गुणस्थान से ही वंद्य वंदक भाव नहीं रहता है। जहाँ आत्म स्वभाव का अनुभव है वहाँ विभाव भाव कैसे रह सकते हैं। कृतकृत्य भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा अन्य को नमस्कार करके क्या साध्य होने वाला है। वंदन योग्य परमेष्टि और मैं वंदन करने वाला, ऐसा भाव तो प्रमत्त नामक छठवें गुणस्थान पर्यंत ही है। कहते हैं कि तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली जाके नमस्कार करते, ऐसा कैसे संभव है। इनको भी ये भी सर्वज्ञ हैं, ये भी अनंत चतुष्टि से युक्त हैं, वे भी अनंत चतुष्टि से युक्त हैं। और वंद्य वंदक भाव तो सातवें गुणस्थान से ही नहीं रहता, उसके बाद से नहीं रहता, छठे गुणस्थान तक ही रहता है। ऐसा भी कहते हैं एक स्कंदक नामक त्रिदंडी कुलिंग बेशी को अपने निकट आता देखकर वीर जिन ने गौतम गणधर से कहा, यह स्कंदक सन्यासी आ रहा है, मुझसे अधिक बलवान है और तुम्हारी इससे मित्रता है, सामने से जाकर उसे लिवा लाओ। तब गौतम गणधर बड़ी भक्ति से उसे सामने लाकर लिवा लाए। विचार करो, बड़ा अनर्थ है, अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी कुलिंगी का सम्मान नहीं करता है? तो महाव्रति गणधर कैसे भक्ति पूर्वक सम्मान करेंगे, कुलिंगी है और उसको जो महाव्रति गणधर है वे जाके भक्ति भाव से उसको ले आएंगे, आओ सब आओ सब ऐसा करके अवृत्ति को है? अवृत्ति सम्यक दृष्टि को नहीं करते हैं महाव्रत वाले, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज अवृत्ति सम्यक दृष्टि को भी सम्मान नहीं देते हैं, ये किसी और कैसे मिथ्या दृष्टि को सम्मान देंगे भक्ति भाव से। स्त्री के पंचम गुणस्थान से अधिक गुणस्थान नहीं होते हैं, प्रथम तीन संगणन भी नहीं होते हैं, अहम इंद्र लोक प्राप्त नहीं हो सकता और सप्तम नरक में गमन भी नहीं हो सकता, तो स्त्री के मुक्ति कैसे कहते हो। पंचम गुणस्थान से आगे ही नहीं बढ़ते हैं तो उनका मोक्ष कैसा हो जाएगा। मल्लिनाथ जिनेन्द्र को स्त्री कहते हैं, उसकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनाकर पूछते हैं, ऐसा महा असत्यवादी है। प्रतिमा तो पुरुष रूप में बना के पूछते हैं और कहते हैं वो स्त्री पर्याय में उनको मोक्ष हुआ, इत्यादि अनेक बात हैं और बातें हैं। और एक दो डेढ़ पेज और है, वो अपन अभी पढ़ लें कल पढ़ लें, समय हो गया है, लेकिन और ऐसे रोचक बातें हैं उन्हें जानना जरूरी है, है? अपने भगवान निर्दोष हैं कि नहीं, वो तो आपकी तो श्रद्धा है लेकिन अब कैसे श्रद्धा है। शास्त्रों में आपने पढ़ा है कि अपने भगवान निर्दोष होते हैं, इतनी बात इसलिए शास्त्रों में हमने पढ़ा है इसलिए भगवान निर्दोष है, ऐसा श्रद्धा ने आपके अंतरंग से वो निर्दोष है, इसके पीछे आपके आपके पास क्या तर्क है। भगवान निर्दोष है इसके पीछे आपका आपके पास क्या तर्क है? ये काम नहीं करते हैं इसलिए वो निर्दोष हैं। विस्तार से जानेंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ, और इस तरह की बातें सुनने से अपना श्रद्धान और मजबूत होता है। इस तरह की गलतियां हम तो नहीं करते हैं, ऐसा विकल्प हमें तो नहीं आता, अगर ऐसे विकल्प आते हैं तो गलत हैं। वो भगवान तो केवल वितरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, इस तरह जानना चाहिए। और वे भी साथ में वे भी मत है, और भी अन्य मत वाले हैं। अब ऐसे अगर कहोगे कि ऐसी बातों को जानने से क्या मतलब है, तो पूरे जो न्याय शास्त्र है न्याय शास्त्र का अभाव हो जाएगा। ये बड़े आचार्य अंकलंक देव हैं, बड़े बड़े आचार्य पूज्यपाद देव, बड़े बड़े आचार्यों ने, माणिक नंदी आचार्य, सभी ने न्याय शास्त्र में क्या किया है, अन्य मतों का खंडन और अपने मत का मंडन किया है। अनंत सर्वज्ञ हैं, वितरागी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए लगाए उन्होंने पूरे न्याय शास्त्र को। उसमें बीच में जो जो भी प्रश्न उठाए उन सब बातों को उन्होंने
खंडन किया है, और उससे ज़्यादा भी आपको वो कल के दिन आपसे कोई मतलब ये भी पूछें कि आपके भगवान ये करते हैं क्या, वो करते हैं क्या, तो आप निश्चिंत तौर पर आप जवाब दे सकते हो कि नहीं हमारे भगवान ये नहीं करते, हमने पढ़ा है ऐसा कर। पंडित सदा सुखजाल जी ने बीच में दिया है, आप तक का स्वरूप बतलाते हुए बीच में दिया है, तो प्रयोजन तो है, तो पहले अपन उनकी बात समझ लेते हैं लास्ट में क्या कह रहे हैं, कोई प्रयोजन बतलाते हैं कि नहीं, तो उसको अपन कल समझेंगे और उससे भी क्या फ़ायदा होगा उस बात को भी अपन कल विचार करेंगे। और इस तरह जो देव का जो स्वरूप है वो कल हो जाएगा, उसके बाद इसके माध्यम से ही शास्त्र का स्वरूप फिर गुरु का स्वरूप करके अन्यत्र ग्रंथों में जहाँ भी देवशास्त्र गुरु का स्वरूप आया है वहाँ वहाँ इस तरह से चर्चा उठाएंगे, जब तक समय मिलेगा तब तक चर्चा अपनी जारी रहेगी।